लड़की हो या अलादीन का चिराग? अलादीन का चिराग। Yes, hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the latest released movie called तेरी बातों ने ऐसा उलझा दिया। हाल ही में रिलीज हुई इस मूवी को मैंने खुद जाकर थिएटर में एंजॉय किया, एंड पर्सनली सेइंग गाइस, ये मूवी आपको फैमिली के साथ एक बार जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि अभी चल रहा है वैलेंटाइन वीक, तो जिससे भी आप प्यार करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड ही हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर, मम्मी पापा सिस्टर भी वैलेंटाइन के लिए एकदम सूटेबल पार्टनर होते हैं, तो उनके साथ आप जाकर इस मूवी को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। Will you marry me? Is that possible? सबसे पहले लीड कास्ट की बात करते हैं, जिनमें आपको देखने के लिए मिलेंगे शाहिद कपूर, कृति सेनन, डिंपल कपाड़िया जी, एंड वन ऑफ माय फेवरेट धर्मेंद्र सर। और हाँ, मूवी के एंड में एक स्पेशल कैमियो भी है, वो तो जब आप मूवी को देखेंगे आपको तभी पता चल जाएगा। गोरी चिट्टी है ना। कबीर सिंह वाले एक एक्शन हीरो के लुक से डायरेक्टली सीधा एक रोमांटिक वाले हीरो के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है शाहिद कपूर का, ये आपको देखने पर बहुत ज्यादा पसंद आएगा। मम्मी अमेरिका से है ना। इस बार वो बन चुके हैं एक रोबोटिक इंजीनियर। अगर एक लाइन में मूवी की स्टोरी को डिस्क्राइब करूं तो बेसिकली ये एक ऐसी लव स्टोरी है जहां पर किसी ह्यूमन के बीच में ह्यूमन टू ह्यूमन लव नहीं, बल्कि ह्यूमन के साथ एक रोबोट की लव स्टोरी दिखाई गई है। अमेरिका से है ना। अमेरिका से है ना। गानों की चॉइस अच्छी थी, डांस वाला फील आ रहा था, और एक शादी वाली फुल्ली वाइब आ रही थी, किस तरीके से हल्दी हो रही है, फिर मेहंदी हो रही है, तो पूरी एक इंडियन शादी किस तरीके से होती है, आखिर अमेरिका से जो दुल्हन आई है। लेकिन क्या होगा जब पब्लिक और साथ ही घर वालों को ये पता पड़ेगा कि वो दुल्हन कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट है। तो इसी इर्द गिर्द पूरी की पूरी स्टोरी को बुना गया है। कहानी को सिंप्लीफाइड रखने के लिए बहुत ज्यादा एक्शन ड्रामा वगैरह नहीं रखा गया है, तो हाँ, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर इसे देख सकते हैं। एक अच्छी मूवी तब बनती है जब उसके अंदर सब कुछ बैलेंस्ड हो, एज वेल एज रोमांस, एक्शन, ड्रामा, म्यूजिक, स्टोरी, और इसी के साथ ऑन पॉइंट डायरेक्शन, वो सब कुछ इसमें मुझे बैलेंस्ड लगा। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू मासी। मुझे आपको किसे मिलाना है? हाय, आई एम सिफ्रा। कहानी का एक डायलॉग है, बहुत ज्यादा फनी है। बेसिकली शाहिद ने एक बार उसका टमाटर चुरा लिया था, तो वो उसकी कंप्लेंट करवाने के लिए, यानी कि जो कृति सेनन है कहानी की लीड हीरोइन यानी कि रोबोट, वो पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन के अंदर सभी पुलिस वालों को लगता है कि ये तो आधी क्रैक हो चुकी है या फिर पागल खाने से भाग कर आई है, तो वो सीन बहुत ज्यादा फनी था। नाम बोलो जी। सिफ्रा। पूरा नाम? सुपर इंटेलिजेंट फीमेल रोबोट ऑटोमेशन। अगर कहानी के प्लॉट के बारे में बात करी जाए तो यहाँ कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जो कि बनाना चाहते हैं एक ऐसा रोबोट जो कि इंसानों के फीलिंग्स, उनके रिलेशनशिप, उनके घर के सभी काम, उनके लोनलीनेस को दूर करने के लिए एक ऐसा सहारा तैयार कर देना जो कि सपोर्टिव रहे और हर दम पर खड़ा रहे, तैयार रहे। तो ऐसी कुछ कोशिश इस कहानी में करी गई है, मगर एट द एंड एक रोबोट सिर्फ एक रोबोट ही होता है। मूवी की टोन लाइट है, गाने अच्छे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि मूवी रबड़ की तरह खींची हुई बिल्कुल महसूस नहीं होती है, जो कि मुझे पर्सनली अच्छी लगी। अगर आपने अभी तक इस मूवी को एंजॉय नहीं किया तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि आप इसे अपनी फैमिली के साथ एक बार जरूर देखिएगा। आर यू क्रेजी सिफ्रा? और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो कमेंट सेक्शन मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड एज ऑलवेज, पहले आता है मूवी का रिव्यू, देन एक्सप्लेनेशन, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन जल्दी आएगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तेरी बातों में समझा जिया।